जुले सलाम अलैकुम संगमाला तेने द्री यंग अता लदा साइंस फाउंडेशन ना तेने आईआईटी एस्पिरेंट्स ऑफ लद्दाख जेरे तेने गाता आई लद्दाख पा आईआईटी ना चाम जो दे चाम में ग्रुप शीनो तेंगा जांग इसके जुंगले ला तेने का आईआईटी ना एनआईटीज गुने कजु कंता काउंसलिंग कजुरे देने नोक्ते इसको लाता इका काउंसलिंग चोचेनो इका आईआईटी एस्पिरेंट्स ऑफ लद्दाख के मेंबर तेने नसीर अली तेने को आईआईटी मुंबई नो तेने बशीर अहमद आईआईटी खड़गपुर तेने पद्मा टैशी को आईआईटी खड़गपुर यो तेने दस को मुंबई लास्ट नो नसो ला यंग यंग खचिक जुग दुख तेने को आईआईटी स पसम ते को समय के इश्कचे प तुजे छे आईआईटी एक्सपीरियंस ऑफ लद्दाख को कहूंगा तमाम चाहता इन मेंबर्स को गता लेना करगिल नहीं यो तेने को मानसे करगिल नहीं कोने सोशल इंपैक्ट को मा ग्याल वैल्यू तेने ग्याल साता सास ना दक्षा उन लंग आजा उन सिद्ध ने मने आईआईटी ना सिचेस को मने डिस्टेंट ड्रीम जियो थे मतलब एक या दो ही सोच सकते थे मतलब इट वाज रियली ड्रीम टू गेट इनटू आईआईटी एंड दैट टाइम वी डिडंट हैव दिस मच यू नो काउंसलिंग एंड अवेयरनेस अबाउट आईआईटी इवन आई गॉट टू जस्ट an opportunity to buy one IIT preparation book. That's all. That was the level of awareness and opportunity we had. And thanks to this group like IOL and all the seniors IITs, they had a very good impact in Ladakhi society. And nowadays we can see a lot of students from Ladakh, particularly in Kargil, they are studying in IITs. And many youngsters, they are taking their them as an example, and they dream to pursue to study in the IITs. And this year, I see a lot of students, particularly from the Kargil area, they qualified in IIT and even in from Leh. And congratulations to all of you. May aap Nasir aur aapke sare IITs teams ko IIT experience ko welcome karta hu. आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस सेशन को स्टार्ट कीजिए. नसीर प्लीज. या हेलो एवरीवन. या कवाई स्टार्ट करते हैं. या अस्सलाम वालेकुम जुले छंगमाला. तो सबसे पहले तो मैं काटेशी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये एक सेशन जो कि जोसा पे फोकस्ड होगा तो ये सेशन रखे हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी इस साल जई क्वालिफाई करके या वो स्टूडेंट्स जो अभी ये सब एग्ज़ाम्स के लिए फ्यूचर में प्रिपेयर करेंगे ताकि उनको फ़ायदा हो. तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ काटेशी का. तो इस सेशन को IOL एड्रेस कर रहे हैं जो कि एक स्टूडेंट बॉडी है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जैसा कि काटेशी ने बताया. तो आईआईटी एस्पायरेंट्स ऑफ लद्दाख एक्चुअली जितने भी लद्दाखी स्टूडेंट्स से जो आईआईटीस में पढ़ते हैं, जो एनआईटीस में पढ़ते हैं या वो स्टूडेंट्स जो आईआईटीस मतलब अपना कोर्सेज ख़त्म करके अभी कॉरपोरेट लाइफ में हैं, डिफरेंट पोजिशंस में, तो वो सब स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है. तो आप लोगों के लिए बहुत मतलब बेनिफिशियल होगा. हम लोगों का मतलब मेन मकसद रहते हैं जनरली ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना. तो इसलिए हम लोग बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस करते हैं, किए भी हैं करगिल में, जम्मू में. तो एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है. तो आज के जो ये सेशन है जो कि जोसा पे फोकस्ड है, काटेशी ने जैसे कि हमें बताया कि स्टूडेंट्स को जो अभी जिन्होंने क्लियर किया है JEE, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो सीट एलोकेशन कैसे चॉइसेस बनने हैं, तो ये सब में तो उस चीज को फोकस करके हमने ये मतलब सेशन किया है. तो आप लोगों को ये सब हम समझा देंगे. सेकेंडली अगर बताऊं तो IOL के बारे में थोड़ा और बताऊं तो स्टूडेंट्स जैसा मैं बताया लेह करगिल से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक नेटवर्क है हमारा. तो जितने भी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स ने अभी क्वालिफाई किया उनको जो काउंसलिंग्स के दौरान जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें बहुत हेल्प हो जाएंगे स्टूडेंट्स जो पहले पास हैं. बशीर आपका फुल स्क्रीन कीजिए. बशीर ये स्लाइड का फुल स्क्रीन कीजिए. नासिर हैंडल कर रहे हैं स्लाइड को. नासिर ओके ओके नाउ इट्स ओके नाउ इट इज फाइन. हाँ ठीक है ठीक है.
तो ये हुआ थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो आज का जो मतलब सेशन का स्ट्रक्चर हमने बना है, सबसे हाँ पहले इंट्रो मैंने पेश किया। अगर मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूँ तो बशीर अहमद मेरा नाम है। मैंने अपना डुअल डिग्री कोर्स IIT खड़गपुर से ख़त्म किया है और अभी SCL सॉफ्टवेयर में एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ। और इसके बाद जो प्रोसीजर टोटल आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू समझा देंगे, नासिर अली वो IIT बॉम्बे का स्टूडेंट है, फोर्थ ईयर स्टूडेंट केमिकल इंजीनियरिंग का, तो वो आप लोगों को पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। इसके अलावा भी इस मीटिंग में बहुत सारे दूसरे IITians एंड IITians जो IAOL के मेंबर्स हैं वो लोग ज्वाइन किए हैं। तो लास्ट में जब प्रेजेंटेशन ख़त्म होंगे तो हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, क्वेरी सेशन, जिसमें आप लोग स्पेसिफिक जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं उनको रेज कर सकते हैं और उसको हमारे जो दूसरे IITians से वो लोग टेक करेंगे। तो इस तरह का सेशन आज का हमने प्लान किया है। तो मैं हैंडओवर करता हूँ नासिर को कि वो प्रेजेंटेशन के थ्रू जोसा जो अभी चल रहे हैं जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी थ्रू जो सीट एलोकेशन में हेल्प करते हैं वो चीज़ आप लोगों को समझा देंगे। इसके अलावा भी एग्जाम के रिलेटेड दूसरे जो चीज़ें हैं वो सब आप लोगों को समझा देंगे। तो नासिर आप स्टार्ट करिए। या हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सवा, सो हाउ गोइंग नो सवा, हेलो, अरे अरे स्टार्ट कीजिए, कंटिन्यू सर। या ठीक है, ओके ठीक है, ओके। सो सबसे पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन की तरह स्टार्ट करता हूँ। सो मैं नासिर अली फ्रॉम कारगिल से। तो मैंने अपना 2009 to 2016 तक मैं जेएनयू कारगिल में ही था। सो मतलब मैंने अपना क्लास 12 तो कारगिल के अंदर ही किया था, मतलब जेएनयू कारगिल में। सो जस्ट आफ्टर 2016 मैंने अपना क्लास 12 84% के साथ क्लियर किया और फिर मैंने उसी ईयर में JKCET JEE Mains में मेरा 1832 रैंक आया था। तो फिर उसी टाइम मेरा JEE एडवांस का नहीं हुआ था। सो मैंने जस्ट मतलब काउंसिलिंग को छोड़ के मैंने कश्मीर सुपर 30 में अपना एडमिशन लिया। तो फिर जस्ट आफ्टर वन ईयर 2017 में मेरा आया था AMU EEE में रैंक 1 और फिर JEE मेंस में रैंक 232 और फिर JEE एडवांस में रैंक आया था मेरा 291। सो इसी के बेसिस पे मुझे IIT बॉम्बे में केमिकल इंजीनियरिंग मिला है। सो प्रेजेंटली आई एम इन द फोर्थ ईयर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग IIT बॉम्बे में। सो इस सेशन को मतलब ये मतलब सिंपल सा सेशन है अबाउट जोसा। सो एक्चुअली मतलब जोसा को स्टार्टिंग करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि व्हाट अबाउट JEE मेंस एंड JEE एडवांस। सो जोसा में कौन से स्टूडेंट आते हैं जिनको ये चीज़ ज़रूरी है? तो मतलब जिन्होंने JEE मेंस क्लियर किया है, नंबर वन। नंबर सेकंड, जिन स्टूडेंट ने JEE एडवांस क्लियर किया है तो फिर उनका ऐसा सिक्वेंस बन जाता है। मतलब सिंपली जो स्टूडेंट्स ने JEE मेंस क्लियर किया प्लस JEE एडवांस क्लियर किया तो उनको एक मतलब एक पाथ से गुजरना पड़ता है, उस पाथ का नाम है जोसा। तो मतलब जोसा में जो भी प्लानिंग्स होते हैं वो इस तरह होते हैं, मतलब इस तरह। तो सबसे पहले एक्चुअल में जोसा क्या है? मतलब जोसा के स्टार्टिंग में तुम्हें JEE मेंस एंड एडवांस क्लियर करना पड़ता है, नंबर वन। और फिर जोसा के मतलब सबसे बेस्ट एंड सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज है ये सेकंड लाइन, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइस। तो फिर ऑनलाइन फिलिंग ये मतलब एक स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मतलब माइंड सेट होता है कि मतलब अगर मतलब स्टार्टिंग से मतलब हर किसी का एक एम होता है कि मैं इंजीनियर बनना होता है, मतलब और फिर मतलब उसी का एम ये रहता है कि मैं ये इंजीनियर बनना है। तो मतलब एक मतलब इसी चीज से आके मतलब एक या दो दिन या तीन दिन में मतलब एकदम माइंड सेट करना होता है कि मुझे ये इंजीनियर बनना है। तो फिर इन सारे का मतलब तुम्हें एक बेसिक क्या होता है, मतलब बेसिक मीन्स तुम्हें JEE मेंस में अच्छा रैंक होना चाहिए या सेकंड थिंग JEE एडवांस में भी मतलब अच्छा रैंक होना चाहिए। तो मतलब इसी के बेसिस पे मतलब इसी के बेसिस प्लस तुम्हारा माइंड सेट या फिर प्लस तुम्हारे जो इंटरेस्ट मतलब सभी को एक मतलब एक निचोड़ करके मतलब एक कंक्लूजन मतलब आ जाते हैं, वो है ऑनलाइन फिलिंग एंड
वर्किंग ऑफ चॉइस। सो अभी प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि मतलब अभी तो जोसा काउंसलिंग का मतलब ऑलमोस्ट सेकंड राउंड तक चल रहा है। तो मतलब जोसा काउंसलिंग का अभी ऑलमोस्ट मतलब मैं कहता हूँ कि 70% तक कंप्लीट हो गया है, मतलब सिंपली। और फिर 70% तक अगर मतलब जिसको भी कोई डाउट है तो वो इस सेशन के एंड में मतलब बता सकते हैं। तो जोसा काउंसलिंग का मतलब यही मतलब एक मतलब सीक्वेंस ये है कि मतलब पहले तुम्हें जोसा काउंसलिंग के लिए मतलब एडवांस और मेंस क्लियर करना पड़ता है, और फिर सेकंड इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, और फिर ऑनलाइन फिलिंग और लॉकिंग ऑफ चॉइस होता है, और फिर जब मतलब सीट अलॉटमेंट होता है मतलब सिंपल। तो सीट अलॉटमेंट से पहले एक मॉक सीट अलॉटमेंट होता है। तो फिर मॉक सीट अलॉटमेंट में मतलब ऐसा होता है कि मतलब तुम्हें एक मॉक मतलब प्रेडिक्ट करता है कि मतलब तुम्हें ये ब्रांच मिल सकता है। तो सो इसी के इसके बाद मतलब सीट अलॉटमेंट के बाद तुम्हारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं। तो मतलब तीन ऑप्शंस में मतलब अगर तुम अपने सीट को फ्रीज करो या फ्लोट करो या सेलेक्ट करो। सो इसका डिटेल मतलब इस तरह है, मतलब फ्रीज का ऑप्शन ऐसे रहता है कि मतलब अगर तुम्हें कोई एक राउंड या सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में अगर कोई सीट मिला तो मतलब यू हैव टू मतलब टेक इन इट। मतलब अगर मतलब मंगाता हूँ सुबह अगर 30 सीट पर तो वशा का तो ना मतलब तुम्हें फ्रीज करने मतलब सिंपल। और फिर सेकंड रहता है फ्लोट एंड स्लाइड। इसमें मतलब ऐसा रहता है कि फ्लोट वाले में मतलब अगर फर्दर मतलब राउंड तुम मतलब अपीयर हो सकते हो मतलब इसमें मतलब सिंपल फ्लोर और स्लाइड में ऐसा है। तो इसके बेस में मतलब ये तो सभी को पता है मतलब जे एडवांस अगर कोई क्लियर करे तो आईआईटीज में एडमिशन मिलता है, और जिनका मतलब जेई मेंस ही क्लियर होता है तो उनको मतलब एनआईटीज ट्रिपल आईआईटीज या अदर जीएफटीआईस में भी मतलब एडमिशन मिलता है। सो दिस ऑल अबाउट मतलब जोसा का मतलब वो सिंपल मेंस क्लियर करना, फिर जोसा में आके मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग सब कुछ करना, फिर मतलब जिनका जे एडवांस हुआ है वो आईटीज में जाए, जिनका नहीं हुआ है मेंस हुआ है उनको एनआईटीज या दूसरे आईटीज मतलब ये एक मतलब फ्लो फ्लो तरह है मतलब सिंपल। इसमें कुछ है ही नहीं मतलब उतना मतलब डिटेल्स में बताने वाला। सबसे मतलब मेन मतलब थिंकिंग पार्ट यही है मतलब ऑनलाइन फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइस। तो मतलब ये जो सा का मेन साइड है मतलब सबको पता ही है। तो मतलब इसमें मतलब सारी डिटेल्स रहते हैं मतलब जो भी सर्टिफिकेट मतलब फॉर्मेट मतलब कंटेक्ट सारे डिटेल्स में रहते हैं, वो बिजनेस रूल सब कुछ इसी में रहता है। एंड सेकंड थिंग या दिस ऑल अबाउट मतलब जो सा का मतलब यही है मतलब मेन मतलब। तो आई होप कि मतलब अभी तक इसमें जितने भी ऑडियंस है सबको मतलब इतना डिटेल मतलब डिटेल में भी पता है कि मतलब व्हाट एक्चुअली जोसा इज। सो लेट अस टेक दिस सेशंस टू मतलब क्वेश्चंस आंसर्स सेशन जाएंगे, मतलब किसी को इससे रिलेटेड कोई डाउट्स या क्वेश्चंस है तो मतलब इसको हम डिस्कस करेंगे। सो कवशीर या बेटर ये रहेंगे कि क्वेश्चंस आंसर क्वेरीज डाउट व्हाट में। हाँ तो नासिर ने काफी अच्छे से ये सब बता दिया। मेन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट को फेस होते हैं वो जो मेन इसमें होते हैं मतलब इम्पोर्टेंट थिंग जो पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर में होता है सेशन में होता है वो चॉइस फिलिंग में होते हैं, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। तो IOL ने ये ऐसा एक सेशन फिलिंग से पहले जिसमें ये सब पे हमने चर्चा किया था, एक ऐसा ही जूम सेशन हुआ था। तो नासिर ने जैसे बताया कि 70% ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, अभी सेकेंड राउंड चल रहा है तो अभी चॉइसेस चेंज नहीं होते हैं। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं जो डिफरेंट NITs ट्रिपल IITs ये सब में कौन सा बेटर है सेकंड राउंड में, अभी हम लोगों को आगे राउंड्स के लिए फ्लोट करना चाहिए या स्लाइड करना चाहिए, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के। तो इनको हम स्पेसिफिकली ये सब चीजों को हम एड्रेस करेंगे। अगर आप लोगों को डाउट होगा कि
मुझे ट्रिपल आईटीज बेटर रहेगा या फिर ये पर्टिकुलर एनआईटी बेटर रहेगा, ऐसे डाउट वो सारों के होते हैं इस स्टेज पे, मतलब सेकंड राउंड के बाद। तो ऐसे डाउट्स को हम टेक करेंगे। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ पद्मा टैशी को, उन्होंने भी ज्वाइन किया सेशन, कि अगर वो इस पे कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो यू आर वेलकम, कि आप इस पे थोड़ा डिटेल में और बताएं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस ले लेंगे स्टूडेंट्स से। या पद्मा टैशी, So yeah, thank you so much Bashir and Nasir Ali for that nice introduction about the JOSA counseling thing. And I believe all the participants that have participated in this Zoom call must have cleared the JE Advanced or the JE Main. So I solely want to congratulate all of you for clearing the most toughest exam in India. So congratulations guys. So Nasir ne bataya diya counseling ke bare mein. So now if you guys have any kind of questions like which IITs are better, which NITs are better, and comparatively kaun sa zyada acha hai, so you can ask any question. You can ask your questions related to your branch related doubts and all that. So yeah, we are now ready to take your questions. So please feel free to ask any questions. And yeah, just know that we don't bite. So please feel free to ask questions. हाँ, अभी तक और एक चीज मैं इस चीज पे ऐड करूंगा, कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं अभी तक चैट में, जैसा कि विच इज बेटर फॉर सिविल इंजीनियरिंग, तो थोड़ा स्पेसिफिक होके पूछें कि एनआईटीज में आईआईटीज में आपके रैंक के हिसाब से, मतलब अभी आपको कौन कौन से चॉइसेस हैं, तो थोड़ा मतलब स्पेसिफिक पूछे तो एड्रेस करने में थोड़ा आसानी होगा हम लोगों को। और पहला क्वेश्चन भी काफी जनरल सा है, सर कौन सा कोर्स अच्छा है, तो इस पे काफी डिफरेंट व्यूज होगा, बट जनरली आईआईटीज में अभी कंप्यूटर साइंस बहुत ट्रेंडिंग में है, आप सब लोगों को पता है। तो काफी जनरल हो गया क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग पहले पूछ लें, फिर इसके बाद हम ये जनरल क्वेरीज भी एड्रेस कर लेंगे। यस, आई बिलीव दोर्जे, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली, बिकॉज़ इट्स वेरी टफ टू अंडरस्टैंड इन द चैट। So you can please unmute yourself and then ask your question. Do we have Dorje on call? Yep, we have. It's all right. Let's take up the next question. Maybe he must be typing in something. So we have another question by Redmi. Kya preparatory course lena sahi hai IIT mein? So Nasir, if you would like to take that question. Yeah, hello. So preparatory course matlab almost better hai yaar, matlab agar matlab simple, sabse pehle to main preparatory course ke bare mein preparatories ke bare mein batana chahta hu. सिंपल ऐसा होता है कि मतलब हर आईआईटीज में ऐसा फिक्स मतलब एसटीज का मतलब एक सीड होता है कि मतलब इतने सारे एसटीज ले, मतलब एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स ले जाए, तो फिर अगर वो सीट क्लियर मतलब ऑलमोस्ट फिल नहीं होता है तो रिमेनिंग जितने भी बचता है तो उन सीट को फिल करने के लिए कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है, मतलब उनके मतलब मार्क्स या रैंक के बेस पे। सो उन स्टूडेंट को मतलब एक साल का मतलब एक्स्ट्रा मतलब एफोर्ट देता है, मतलब एक ईयर का एक प्रोग्राम या एक कोर्स करते हैं, उस कोर्स के बाद मतलब फिर से वही मतलब फिर से आईटीज में वही सेम एडमिशन लेते हैं। सो मतलब एक सिंपल वे में अगर कहें तो ये है कि मतलब अगर कोई प्रिपरेटरी कोर्स करना चाहते हैं तो वो अपने बीटेक के 4 इयर्स को 5 इयर में कंप्लीट करेगा, बस डिफरेंस यही है, बाकी हर चीज सेम रहता है। सो अभी मतलब कारगिल के बहुत सारे स्टूडेंट्स ये ऐसा मतलब कर रहे हैं कि वो उनका भी एक्सपीरियंस ये रहा है कि मतलब अच्छा है, क्योंकि उनको अपने मतलब बीटेक करने के लिए अलग से एक्सपोजर मिल जाता है कि मतलब पहले मतलब एक स्टूडेंट है वो डायरेक्ट आईटी में जाके डायरेक्ट बीटेक कर लेता है, सेकंड है एक स्टूडेंट मतलब प्रिपरेटरी कोर्स के थ्रू जाके बीटेक कर लेता है, तो सिंपल उसको अलग से
एक ईयर का अलग से एक्सपोजर आईटीज में, तो फिर वो मतलब फुल्ली माइंड के साथ मतलब अपना टेक कर लेता है इजीली. सो एज पर मी इट इज वेरी बेटर मतलब चॉइस. यप, आई एग्री विद नासिर. मतलब मैं भी यही कहूंगा कि यू शुड एक्सेप्ट द प्रिपरेटरी कोर्स इन आईआईटी, बिकॉज एक साल के लिए तुम्हें मतलब अच्छे से प्रिपेयर करा जाएगा, एंड देन इफ यू स्कोर वेल इन योर फर्स्ट इयर्स, देन या यू कैन गो फॉर अ ब्रांच चेंज एज वेल. अगर मान लो तुम्हें कोई अच्छा सा ब्रांच नहीं मिल रहा है फॉर द प्रिपरेटरी वन, so you can, you know, anyway perform well in your first year, score well, score good grades in your first year, and then you can always go for a branch change. So yeah, I would suggest all of you that, you know, you should go for the preparatory course. अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि प्रिपरेटरी कोर्स के बाद उनको अगेन से नेक्स्ट ईयर आईआईटी जेई देना होता है कि उनके लिए अलग से एग्जाम होता है. हाँ, सो फॉर दैट थिंग मतलब आपको वापस से एडवांस या मतलब जेई में अपियर होने की जरूरत नहीं है. दे जस्ट यू नो लुक एट द प्रिपरेटरी ईयर परफॉर्मेंस, मतलब आपने कैसा परफॉर्म किया है. जैसे एक साल आपका प्रिपरेटरी रहता है ना, तो यू विल बी स्टडीइंग फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड वन अदर सब्जेक्ट. सो एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल हैव टू अपियर फॉर एन एग्जाम, and then you will be judged on the basis of that exam. But wo jo exam hota hai wo bahut hi easy hota hai, matlab easily sab log clear kar lete hain, aisa koi bhi nahi hota hai jo clear nahi kar pata. So yeah, matlab wahi exam hota hai, and then you don't have to appear for other JEE exam and all. You will be directly admitted to first year in the next year. That's how it is. So I hope the question this, about the actually yeah Bashir, go ahead please. Hi, ek cheez add karna chahunga, agar koi student ne preparatory course kar liya kisi IITs mein ek saal ke liye, to iske baad agar wo next year fir se jaiye advance ke liye prepare, agar wo eligible hoga, agar second chance hoga, वो फिर से दे सकते हैं जेई एडवांस बेटर रैंक लाके, बट उसको पिछला वाला सेक्रीफाइस करना होता है जितना मैं जानता हूँ इस चीज के बारे में. तो फिर से पहला जो ब्रांच मिला था वो सेक्रीफाइस करके फिर से बेटर रैंक के साथ बेटर ब्रांच कर सकते हैं. थैंक यू फॉर एडिंग दैट बशीर, आई मिस दैट. मतलब यू कैन प्रिपेयर फॉर जेई वंस अगेन, एंड देन अगर आपका कोई उससे भी अच्छा रैंक आ जाता है, एंड देन यू आर गेटिंग अ बेटर आईआईटी एंड अ बेटर ब्रांच, देन या यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट. So yep, thank for adding that Bashi. Hello. Haji. Yes, yeah, hello. We are waiting for the next question. Anyone hello? Having a query? Hello. Yeah. Yes, Mohammed, you are audible. Please go ahead with your question. Yes, you are audible. Haji. हमारे एक लड़का था जो जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक एसटी रैंक में तकरीबन 600 पे था. उसको पहले राउंड में मिल रहा था आईआईटी कालीकट. तो कालीकट वालों ने उसको उसका जो एडमिशन पूरा मतलब उसका सीट कैंसिल कर दिया इस बेस पे कि उसका जो मतलब एनुअल जो हमारे जो उसके मतलब मार्कशीट पे एनुअल 2017 लिखे होते. तो एक्चुअली एनुअल 2017 इसका पासिंग ईयर तो नहीं है, मतलब इस जो मतलब लद्दाख या कश्मीर प्रोविंस के लिए. यस या सिंपली मतलब इसका मतलब पहले से एक क्वेश्चन आया था वही सेम क्वेश्चन. तो इसके लिए तुम्हें अपने रेस्पेक्टिव मतलब जो काउंसलिंग ऑफिसर जो तुम्हारे वेरीफाई कर रहे हैं उससे मतलब कन्विंस करने उससे मतलब उसको ये अच्छी तरह से समझाना है कि जो जम्मू कश्मीर में जो विंटर जोन में होता है उनका एग्जाम एक्चुअल में दिसंबर में होता है, जो मतलब सीबीएसई वालों का मार्च में होता है. तो एक ईयर उनका मतलब ऐसा हो जाता है मतलब जो सॉरी फॉर इंटरप्शन, उसी बेस पे उन्होंने हमारा कैंडिडेट का हमारे बच्चे का मतलब अभी जो एडमिशन पूरे सीट जो है वो कैंसिल कर दिया. अब वो बेचारा रैंक भी अच्छा था, एसटी रैंक 600 पे ही था, उसको पहले राउंड में ही कॉलीकट मिला. तो अभी वो फर्दर राउंड के लिए भी नहीं बैठ सकता क्योंकि उन्होंने उसका सीट ही कैंसिल कर दिया है. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आगे जाके लद्दाख और कश्मीर के बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम मतलब पहले तो नहीं होता था, अब जो मतलब ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन हो रहा है इसकी वजह से
वो लोग मतलब इस सेशन को नहीं समझ रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि अनिवल 2017 जो वहाँ पे लिखा है वो लोग बोल रहे हैं कि सीबीएसई की तरह वो लोग समझ रहे हैं, बाहर की जो यूनिवर्सिटीज वो नहीं समझ रहे हैं। मतलब हमारे जो सीनियर की या कश्मीर की जो एनआईटी है उन्होंने तो रखा है लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और इस बच्चे का पूरे केरल अभी पता नहीं क्या। आप लोगों से मैं यही राय लेना चाहता हूँ कि अब मुझे हमें क्या करना चाहिए, बच्चे का ये आखिरी चांस भी था। हाँ हाँ सर, यस यस समझ रहे हैं ये क्वेश्चन को। एक्चुअली ये बहुत सारों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, तो एक्चुअल एक्शन तो उसके बाद क्या आपने उनको मतलब जो जोसा है, जोसा का हेल्प सेंटर होता है, उनका एक नंबर भी होता है, उस पर कॉल करना होगा या फिर मेल करके कन्विंस करना होगा। जोसा को हमने कॉल किया, जोसा वालों ने समझ लिया कि हाँ आईआईटी कॉलिकट ने इसको गलत किया है। फिर आईआईटी कॉलिकट वालों ने हमारे कॉल उठाया, पहले हमसे उन्हें कन्विंस किया लेकिन बाद में शायद उनको उन्होंने जो गलती किया वो एहसास हुआ होगा, फिर उन्होंने हमने कॉल उठाना ही बंद कर दिया। और जोसा वालों ने भी मतलब रिग्रेट किया कि ये तो गलत हुआ है, लेकिन अब क्या करें, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो राउंड से बिल्कुल बाहर है अभी तो। ये आप वो लोग बोल रहे हैं कि आप स्पेशल राउंड में बैठो, स्पेशल राउंड तक तो उसका पूरा जो सारे जो मतलब अच्छे आईआईटी सॉरी एनआईटी जो अच्छे अच्छे ब्रांचेस जो सीट है वो तो सारे खत्म हो जाएंगे स्पेशल राउंड में, वो फिर उसका तो चांस ही नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मतलब ये तो पहले से सारी हाँ सर हाँ, तो ये अब हम क्या करें, अब आपके लिए आपके पास कुछ सॉल्यूशन है? मतलब समझ रहे हैं आपको क्वेश्चन को सर, तो एक्चुअली एक चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ ये इशू को हम लोग पर्सनली कल बैठ के मतलब आप हमारा कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, कल हमारा एक दो मेंबर्स जो है मिल के मतलब इस इशू को रेस करके थोड़ा सॉल्यूशन मिलते हैं कि नहीं देखेंगे हम। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे सर, आपको हम पर्सनली कॉन्टेक्ट करेंगे और इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे। हमारा मेरा नंबर नोट कर लीजिए प्लीज सर। आप बता दीजिए 705 मोहम्मद जी, जस्ट पुट इट इन द चैट, आप चैट में डाल दीजिए ना। हाँ हाँ थैंक यू या ओके ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दिस इज वीवो 1904, सर इंजीनियरिंग में कौन सा कोर्स अच्छा है? सो मतलब आप किस बेसिस पे पूछ रहे हैं, इंटरेस्ट के बेसिस पे पूछ रहे हैं, प्लेसमेंट के बेसिस से पूछ रहे हैं, या फिर कोर्स कंटेंट के बेसिस पे पूछ रहे हैं? सो वीवो 1904, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन यू नो पुट द क्वेश्चन फॉर थॉरली। हेलो यप हेलो हाँ जी बोलिए, व्हाट्स योर क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन, वी कैन हियर यू। हेलो हाँ जी शुजात जी बोलिए, यू आर ऑडिबल। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर कि मेरा जो मॉक डेमी में मेरा नाम है सर उसमें। हेलो हाँ हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है। हेलो जी जो इस कट ऑफ नाम है सर, लेकिन जो कोर्स जो कॉलेज दिखाना था वो नहीं हो रहा है सर, उसका क्या प्रॉब्लम जानना था। नासिर डू यू वांट टू टेक दैट, मतलब समझ में आया? हेलो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे, मतलब अच्छे से कैन यू प्लीज रिपीट अ क्वेश्चन। हेलो हेलो या शुजात अली कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। शुजात आई बिलीव यू आर नॉट ऑडिबल, सो कैन यू प्लीज पुट इट इन द चैट सो दैट वी कैन रीड एंड देन आंसर योर क्वेश्चन। हेलो या हेलो हेलो हेलो
यस ओपो N9 yeah, hello, hello, yeah. we can hear you. सर जैसे कि स्पेशल राउंड होता है ना स्पोर्ट राउंड अगर मतलब मुझे मतलब 1 to 9 राउंड होता उसमें कोई सीट मिल गया लेकिन फिर भी मैं स्पोर्ट राउंड में जाना चाहता हूँ किसी अच्छे कॉलेज के लिए और अगर मुझे स्पोर्ट राउंड में नहीं मिला तो मेरा ये वाला जो 1 to 9 राउंड में जो मुझे मिला हुआ वो लॉस तो नहीं हो जाएगा मेरा सीट स्पोर्ट राउंड में जाने से जो सीट पहले मिला हुआ में से मुझे कोई मतलब इतने अच्छे कॉलेज में नहीं मिला सीट 1 to 9 राउंड जो होता है काउंसलिंग का लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट राउंड में कोई अच्छे कॉलेज का कुछ सीट खाली रहे और मुझे क्या पता मिल जाए उस चांस से मैं स्पोर्ट राउंड में जाऊँ तो मेरा जो पहले जो सीट है वो कुछ लॉस तो नहीं हो जाएगा ना अगर स्पोर्ट राउंड में भी नहीं मिले तो सो एक्चुअली यू नो मतलब मेरे को स्पोर्ट राउंड के बारे में उतना ज्यादा आइडिया नहीं है सो मे बी वी कैन लुक आउट लुक अप टू दैट एंड देन कैन कम बैक टू यू ओके थैंक यू वो थोड़ा कंफ्यूजन था उसमें Yes, yes. Hello, matlab, you can always find the information on the you know internet. Matlab, we'll come back to you. Matlab, aap group mein ho na. Matlab, jo bhi group bana hai, you are in that WhatsApp group, right? No, sir. No, mujhe kisi ne wo link bheja hua tha. Aapka ID aur password kisi ne pata nahi. Group. Okay, group so. Maybe Nasir, we can add him to the group of the aspirants, and then maybe we can come back to that. Okay, thank. Yeah, okay. Hello, sir. Yes, Shujat. Ji sir, yeah, hello. Jo mock academy allowed me. Hello, sir. Jo ji sir, jo mock academy allowed me. Mera naam hai sir, mera naam hai. Lekin mujhe college show nahi ho raha hai. College. मतलब जो कट ऑफ में एसटी कैटेगरी की कट ऑफ में नाम आ रहा है लेकिन कॉलेज शो नहीं हो रहा है मुझे अब मुझे क्या करना पड़ेगा अच्छा मतलब तुम्हारे मतलब मुझे ये कंफर्म है कि मैं पहले कट ऑफ में आ गया या नहीं आ गया उसका थोड़ा कंफर्म जी सर अच्छा मतलब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि तुम्हें मॉक अलॉटमेंट में सीट मिला है अभी फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं मिला लेकिन मॉक डेमी अलॉटमेंट फर्स्ट कट ऑफ में मेरा नाम है सर उसमें लेकिन कॉलेज जो कॉलेज अच्छा ओके ओके सही सही अच्छा तो मतलब यही तुम्हारा यही क्वेश्चन है कि तुम्हें मॉक अलॉटमेंट में सीट मिला था अभी नहीं मिला मतलब फर्स्ट या सेकंड में तो मे बी मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ में मिल सकता है तो एक्चुअली मॉक सीट अलॉटमेंट का ऐसा फंडा होता है ना कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मॉक सीट अलॉटमेंट में अपीयर नहीं होता है तो इसी का मतलब ये थोड़ा मतलब इसका ड्रॉबैक है कि मतलब सारे अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मतलब किसी न किसी को तो अच्छा ही मिल जाता है इसमें मतलब मॉक में तो मतलब इसका यही ड्रॉबैक है कि मतलब होप कि तुम्हें फोर्थ या फिफ्थ तक मिल जाएगा इजिली सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा फर्स्ट कट ऑफ जो मॉक अलॉटमेंट फर्स्ट निकला है ना अभी जो 23 को निकला था सर या हाँ सर उसमें मेरा नाम आ रहा है मैं सर्च करता हूँ तो उस फर्स्ट कट ऑफ में मेरा नाम आ रहा है लेकिन जो साइट में कॉलेज वॉलेज का कोई डिटेल वो नहीं दिखा रहा है सर वो वाला थोड़ा उससे मुझे कुछ डाउट है सर एक्सक्यूज मी सर हेलो सर ये शुजात साहब शायद वो पीएम ट्रिपल एस के बारे में बात कर रहे हैं पीएम ट्रिपल एस काउंसलिंग के बारे में ओ शुजात यू टोटली कंफ्यूज्ड अस नो सर सो मे बी पीएम ट्रिपल एस क्वेश्चन काटाशी कैन टेक दैट क्वेश्चन मे बी या No. Here we will not discuss PMSSS. That we have discussed in the different session. Here we will focus more on JOSA और उसके focus करेंगे. अभी मैं सब request करता हूँ. Please अपना question जो है वो सिर्फ ये JOSA, IIT, NIT related ही रखें. आज का जो session वो specifically IITs के लिए है.
तो प्लीज आईआईटी रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे, वो PSSS का हम अलग से एड्रेस करेंगे, नहीं तो ये हम डाइवर्ट हो जाएंगे, फिर बाद में नीट का क्वेश्चन आएगा कि दूसरे क्वेश्चन आएगा. देन इन द एक्सपर्ट प्लीज डोंट जस्ट जो भी लगे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा आईआईटी अच्छा है, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. इवन अभी जो दक्षिण का फ्री ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें मैंने 9, 10, 11, 12 बच्चों को बुलाया था, लेकिन बहुत कम लोग आया है. एनीवे हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, करने के बाद हम इसको थोड़ा सा एडिट करके मैं यूट्यूब पर रख के मैं सभी बच्चों के साथ शेयर करने वाले हूँ. तो आपका जो ये फोकस जो है सिर्फ इसी जो इस साल जो जोसा काउंसलिंग पे मैं है उसके लिए ही नहीं, मतलब वी हैव टू कवर द नेक्स्ट कमिंग पार्ट लाइक 12th 11th के लिए. तो इन दैट पर्सपेक्टिव प्लीज ट्राई टू एड्रेस. और जिनका भी स्पेसिफिक है, जैसे उनका मोहम्मद हनीफ का केस है जो 2017 के वाला, वो तो बहुत स्पेसिफिक हो, उसके लिए तो हो सके तो आप लोग एड्रेस दैट ऑन योर पर्सनल ग्राउंड. बाकी सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज क्वेश्चन जो है वो सिर्फ आईआईटी जोसा रिलेटेड ही पूछे. देन इन बिटवीन आई वुड लाइक टू एड वन मोर पॉइंट. जैसे आप सबको पता होगा कि आईआईटी एडवांस के बेसिस पे इसरो का भी एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईएसटी. तो यही आईआईटी एडवांस के बेसिस पे आईएसटी में भी आपका एडमिशन होता है. आईएसटी में एरोस्पेस और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ है, दो फील्ड में होता है एवियोनिक्स में, तो वो भी बहुत अच्छा है. मतलब उसमें क्या होगा, आपको उसमें इंजीनियरिंग करने के बाद ये बेस्ट अपॉन की इसरो में कितना वैकेंसी है और आपका परफॉर्मेंस बेसिस पे इसरो में डायरेक्ट ऐसे साइंटिस्ट आप रिक्रूट भी करते हैं. तो दैट इज वन वेरी गुड ऑप्शन, यू लुक फॉर दैट. और इस बार ये और एक आप लोगों के लिए खुशखबरी है, बहुत लोगों को पता होगा PSSS के थ्रू इसरो के आईएसटी में 6 सीट है. जो 6 सीट है वो 6 सीट आपको आईटी एडवांस जस्ट क्वालिफाई करना है. आपको ये नहीं कि ऑन इन पार भी, तो ऑल इंडिया बेसिस पे आपको इस आईएसटी में एडमिशन लेने की वो जरूरत नहीं है, आपको जस्ट क्वालिफाई होना चाहिए. यू डोंट नीड टू कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री स्टूडेंट्स. आपको जस्ट एक तो आपको PSSS में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका जो 12th जो है विद इन जेन के विद इन लद्दाख से पास होना चाहिए, और PSSS में आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए, और आपने आईआईटी एडवांस जस्ट क्वालिफाई, नो नीड टू गेट वेरी हाई 5 मार्क्स, जस्ट क्वालिफाई एंड अप्लाई फॉर द आईएसटी. उनका शायद 7th अक्टूबर को लास्ट डेट था, शायद बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है. अगर उसके बाद विदिन इस जेंट के लद्दाख का एक वो आईएसटी में रैंकिंग बनेगा, उसमें से 6 बच्चों को इसरो में एडमिशन देंगे. PSSS का ये स्पेशल कोटा है, 6 स्टूडेंट दे विल गेट इन इसरो आईएसटी एंड दे विल गेट फुल स्कॉलरशिप फ्रॉम थ्रू PSSS. सो दिस इज अ गुड ऑप्शन, दिस स्टार्टेड फ्रॉम दिस ईयर. I hope some of our students they will qualify. So ये एक मैं add करना चाहता हूँ. Now over to the IOL team. Padmapeshi. Yeah. So we have another question from Siraj. He is asking about, can you please comment about BSc Eco IIT Kanpur? So, Siraj, have you already accepted the seat or what? Are you asking, you know, just generally, or have you just accepted the seat? Can I please know about that? Siraj ko mila hai, mere khayal se. Yeah, I've also heard from one of my friends that he have gotten the Eco IIT Kanpur. So, being from IIT Kanpur, I believe I'm the right person to answer this question. So yeah, BSc Eco IIT Kanpur is a very good branch as far as I know. So, I mean, it's a very good branch.
The course content is very chill, मतलब बहुत अच्छे से तुम स्कोर कर सकते हो. Course content उतना ज़्यादा tough नहीं है. And then in the end of the, you know, the 4 years, you'll be placed at a very good company if you perform well in your 4 years. And then you know, मतलब अगर तुम्हारा अच्छा रहेगा सब कुछ, co-curricular activities and all that, and then I'm pretty sure that you'll be placed at a very good company if you will do BSc Eco from IIT Kanpur. Yeah, it's a good branch. So I believe that Siraj, I answered your question. Okay, so can we have the next question, please? You can put it in the chat or feel free to just unmute yourself and then ask it. ये एक पहले कुछ दो तीन क्वेश्चन आए थे मेरे पास. एक स्टूडेंट को मिला है आईआईटी रुड़की जियोटेक्निकल. तो जियोटेक्निकल में What was the question, Kartashi? Can you please repeat that again? IIT Roorkee का जो geotechnical course है, वो उसका मतलब कैसा scope रहेगा? Whether she should go for this geotechnical branch? Okay, so whosoever asked this question, मतलब जहाँ तक branch का सवाल है, मतलब it does matter, but then it does not matter at a very high level. अगर let's see, if I don't think that you will be interested in this geothermal branch or whatever branch you have gotten, so in the interim of 4 years, मतलब आप course content पढ़ोगे, अगर if you'll find that course content good enough to pursue higher studies, then well and good, you can go for higher studies. अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, try to score well in your first year. It is always possible to change your branch to some of your choice. मतलब आप लोग easily branch change कर सकते हो अगर आपका first year में score अच्छा रहेगा. And then let's suppose that you are not being able to change your branch because of you scored less in your first year. कोई दिक्कत नहीं है. So just prepare yourself. Coding, you can do coding, and then you can prepare for product management, and then you can prepare for business analyst. So ये जो 4 साल का मतलब ग्रेजुएशन होगा, उसमें यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग एंड देन यू विल डेवलप योरसेल्फ सो एज टू सिट फॉर द प्लेसमेंट्स. एंड देन ब्रांच का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब यू कंपनीज विल नॉट सी दैट ही इज फ्रॉम जियोथर्मल सो विल नॉट इनटेक हिम. सो ऐसा नहीं रहता. अगर इफ यू हैव डेवलप्ड द स्किल्स एंड इफ यू आर यू नो अगर आप उस रोल के लायक हो, देन यू विल बी प्लेस्ड एट अ गुड कंपनी. This much I am really sure. मतलब ये मैं surety के साथ कह सकता हूँ. So yeah, I believe I answered your question. Whosoever asked it. I see Hasnain have also joined us. Yeah. Welcome, Hasnain. Welcome. Good evening, everyone. Yeah, welcome. Actually, I'm Mohammad Hasnain, and I'm graduated from IIT Kanpur from civil engineering. I'm working as a software engineer in R&D in Inventor Robotics. That's it. You can ask me anything about IIT Kanpur, civil engineering, computer science, and these three things I can tell. If you have any doubt about these things, thanks for joining, Hasnain. So we have another question from Siraj. He wants to know whether he can switch from BSc to BTech. Yep, it is always possible to switch from BSc to BTech, Siraj. As I told you earlier also, yeah, you can change to any branch if you, you know, qualify for that criteria. You can change to any of the branch. Yeah, for Siraj, you can contact Mehmet Ali, yaar, Mehmet. So uska bhi yahi branch hai, BSc in the edtech boom. Yes, I believe Siraj has already talked to Mehmet about this thing. ये तो हुआ जो जो लोग recently qualify कर चुके हैं. Yes. So now is there any further questions?
या एक चीज इस पे मैं ऐड करना चाहूंगा, बीएससी जैसे इकोनॉमिक्स का कोर्स एक बंदा परस्यू कर रहा है, सिराज ने क्वेश्चन पुट किया था, तो जो हम आईओएल की बात कर रहे हैं उसमें सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे। अगर आप लोगों को उस कोर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो जैसे बीएससी इकोनॉमिक्स का कोर्स आईआईटी कानपुर में मैसम हमारा एक स्टूडेंट है वो कर रहे हैं, और दूसरा जो स्टूडेंट है वो जियो टेक्निकल कोर्स एट आईआईटी रुड़की के बारे में पूछ रहे थे, वहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट्स सिमिलर कोर्स में पढ़ रहे हैं लद्दाखी स्टूडेंट्स। तो आप उस ग्रुप में जो हमारे आईआईटी एस्पायरेंट्स ग्रुप है उसमें ऐड हो जाइए, तो अगर उस कोर्स के बारे में डिटेल्स में आपको जानना है तो आप उस बंदे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो पद्मा टशी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इतना मैटर नहीं करता ब्रांच बाद में, अगर आपको एक अच्छा आईआईटी मिले तो ब्रांच फिर ज्यादा मतलब आपको मैटर नहीं करेंगे बाद में, आपको बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे खुद को इम्प्रूव करने के लिए, और कोई भी कंपनी में आप बैठ के कोई सा भी आपका फ्यूचर जो शौक है आप उसमें जा सकते हैं। बट फिर भी अगर आप लोगों को पूछना है तो वही मैं पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में, जो आईटी एस्पायरेंट्स ऑफ लद्दाख इसमें हमने सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप बना है, सारे लद्दाखी स्टूडेंट्स जो आईटीज एंड आईटीज में पढ़ते हैं, और आपको सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। आपको किसी भी कोर्स के बारे में अगर जाना है या किसी भी आईटी एनआईटी के बारे में जानना है तो वो सारे आईटीज एनआईटीज में आपको लद्दाखी स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। आप सही ग्रुप में, सही फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, आप लोगों को कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई भी डाउट होगा आप स्पेसिफिक पर्सन से जो वो कोर्स कर रहे हैं आप पूछ सकते हैं। दैट्स इट। बाकी और अगर क्वेरीज होंगे तो आप लोग पुट करिए, अभी चैट में भी रख सकते हैं और पूछ भी लीजिए। ठीक है ना, यहां एक क्वेश्चन है इसका जाकिर हुसैन का, ओप्पो N9, इसने पूछा कि प्रिपरेटरी कोर्स अच्छा है कि नहीं। प्रिपरेटरी कोर्स हमें मेरे सेंस में बहुत ही अच्छा होता है, राइट। क्या होता है क्योंकि जैसे देखो फर्स्ट ईयर में जब हम जाते हैं कॉलेज में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कुछ लोग प्रोग्रामिंग नहीं पढ़े रहते हैं या फिर कुछ लोगों को डायरेक्ट कंपटीशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बहुत परेशानी आती है, मतलब ये हम सब ने फेस किया। तो प्रिपरेटरी वालों को फायदा क्या होता है कि वो पहले ही एक कॉलेज कल्चर में ऑलरेडी एक साल पहले रह चुका होता है, राइट। तो ये बहुत ही एक प्लस बेनिफिट होता है प्रिपरेटरी वालों के लिए, ठीक। और सेकेंड जो पढ़ाते हैं कॉलेज में तो प्रिपरेटरी वालों को जैसे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं, आसान सी चीज़ें पढ़ाते हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो इससे इनका जो बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो मतलब अगर किसी को प्रिपरेटरी मिले प्लस कोई अच्छा कॉलेज जैसे टॉप कॉलेज हो प्लस अच्छी ब्रांच हो तो डेफिनेटली उसको ले लेना चाहिए, इन कंपेरिजन टू रिपीट कर रहा। तो फिर अगर इनकेस आपको कोई अच्छा ब्रांच नहीं मिल रहा तो और आपको लगता है कि एक साल जो है आप रिपीट करके अच्छा ले सकते हो तो बेहतर है, तो मैक्सिमम प्रायोरिटी देना चाहिए कि अगर अच्छा ब्रांच हो और अच्छा कॉलेज हो तो डेफिनेटली लेना चाहिए प्रिपरेटरी। तो दैट्स इट। सो नासिर एंड बशीर, सो वी हैव लॉट्स ऑफ नंबर पॉपिंग अप इन द चैट, सो मे बी यू नो यू कैन ऐड देम इन द ग्रुप। यू कैन टेक अ नोट ऑफ दैट एंड देन यू कैन ऐड लेटर। आई हैव सेंड अ WhatsApp group link, everyone can join. Yeah, sure. Thanks for that, Nasir. और एक क्वेश्चन था कुछ बुक्स बुक्स रेफरेंस क्वेश्चन है, एक्चुअली एक सिविल इंजीनियरिंग से स्कोप्स को लेके ना, तो प्रॉब्लम क्या है जैसे एक वेव चल रहा था सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है, तो ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, तो मेरा भी ये सही था कि एक सिविल इंजीनियरिंग ले लेते हैं, लेकिन पॉइंट ये कि अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में पहले से इंटरेस्ट हो, राइट, या आपको रिसर्च करना हो या ये करना हो तो डेफिनेटली आपको सिविल इंजीनियरिंग ले लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप अगर अच्छे कॉलेज जाके एक्सप्लोर करना चाहते हो तो एक्सप्लोर करने के चांसेस सिविल इंजीनियरिंग में बहुत कम है। तो इन शॉर्ट सेंस आई मीन स्कोप्स भी बहुत कम है प्राइवेट में, राइट, बहुत ही कम कॉलेज में बहुत ही कम क्या बोलते हैं वो प्लेसमेंट्स होता है। तो अगर आप चाहते हो कि सिविल इंजीनियरिंग में आप रहें और आगे आईएएस आईएएस करें तो एक आईएएस और गेट में स्कोप है, अदरवाइज प्राइवेट में ऑलमोस्ट जीरो स्कोप है। तो यही है, तो रिसेंटली अगर आईएएस में भी बहुत कम सीट्स हो गए हैं अब सिविल इंजीनियरिंग के लिए, अब उसको रेलवे वेलवे को हटा दिया है तो इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर इनकेस आपको अच्छी ब्रांच मिल रहा हो कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है और इलेक्ट्रिकल
या मैथ्स या इकोनॉमिक्स, इन चारों ब्रांच और सिविल इंजीनियरिंग में कंपैरिजन अगर आपको मिले तो डेफिनेटली आपको, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं लेना चाहिए. अच्छा, स्कोप से रिलेटेड नहीं है, बहुत कम है. सो हसनैन ने बहुत अच्छे से पुट अप किया इस चीज को. सो आई बिलीव यू नो लद्दाखी पीपल आर मोर ऑफ यू नो टुवर्ड्स सिविल इंजीनियरिंग थिंग, बिकॉज मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग से ये चला आ रहा है ना कि सिविल में बहुत स्कोप है, जो जॉब मिल जाएगा एंड ऑल दैट. सो अगर इफ यू हैव नो इंटरेस्ट इन सिविल इंजीनियरिंग प्लीज डोंट गो फॉर इट. अगर तुम्हें अपने इंटरेस्ट का ब्रांच मिल रहा है देन प्लीज टेक दैट वन. या instead of going for civil engineering because your parents are putting pressure on you that haan beta chalo le lo civil engineering, but yeah matlab apne future ke bare mein socho, please just don't go to you know the thoughts of your parents, just do some research on that. Maybe the question that was asked by someone who is preparing, I guess he's also asking about some books to crack IIT. So yeah matlab सोसाइटी के बातों पे मत जाओ कि भाई सिविल इंजीनियरिंग करना चाहिए तो यू शुड गो फॉर दैट, ऐसा नहीं है. मतलब पहले देखो इफ यू हैव इंटरेस्ट इन समथिंग एल्स गो फॉर दैट, अगर नहीं मिल रहा है तो यू नो मतलब समझ गए ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. या दैट्स हाउ इट इज. सो यस नासिर, क्या इफ यू वांट टू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जाकिर. तो इसका हमारे पास कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि मतलब लास्ट किस स्टूडेंट को मिला था. इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल आई डोंट थिंक वी हैव यू नो वी हैव डेटा फॉर दैट, बट इन टर्म्स ऑफ रैंक या वी ऑलवेज हैव दैट डेटा. सो मे बी जाकिर जस्ट कंपेयर इट बाय योर रैंक एंड देन यू विल गेट योर आंसर आई बिलीव. रैंक बता दो, जाकिर इज आस्किंग सर रैंक बता दो. सो जाकिर प्लीज जस्ट विजिट द जोसा वेबसाइट, यू कैन फाइंड ऑल द कट ऑफ्स एंड ऑल द रैंक कट ऑफ्स फॉर ऑल द आईडीज एंड आईडीज एंड ऑल ऑफ दैट. या प्लीज जस्ट गो अहेड एंड डू दैट, इट्स अ टास्क दैट यू शुड डू बाय योरसेल्फ. सो मतलब हमें इतने सारे रैंक्स याद नहीं है ना कि कौन सा ब्रांच कितना कट ऑफ हुआ था. सो जस्ट विजिट द जोसा वेबसाइट एंड देन लुक हैव अ लुक. या Yeah, so guys, keep the questions coming. Zakir Hussain's rank is, I guess, 750 ST. So I believe, yeah, I told you Zakir to please visit the JOSA website and just check out the cutoff ranks. You'll get all the information for all the IITs, all the NITs, and all the branches. And if you want us to tell you the specific IITs and specific branches that you'll be getting at the rank of 750, then please connect with us offline. We'll be able to help you there. अभी एक क्वेश्चन है ना, ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये एक वन पर्सन ने लिखा कि as we all are aware that around thousands of engineers are unemployed in Ladakh, so the people used to say that after doing lots of hard work you are still unemployed and still depend on parents. So I want to share one survey done by Ladakh Science Foundation. So main just screen share karta hu. तो ये जस्ट आप इसका एक फुल रिपोर्ट ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर दी है, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है. जस्ट दिस इज जस्ट स्नैपशॉट है. तो इस सर्वे में रफली अभी देखेंगे तो बाय 2023 सो अराउंड 800 इंजीनियर्स आर गेटिंग यू नो डिग्री फ्रॉम लद्दाख. वो भी दोस्त हुए पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे. ओके, ये सर्वे रिपोर्ट हमने ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट किया था. ऑन दैट बेसिस बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट जो लिया था वो लद्दाखियों को, सारे लद्दाखियों को लिया है. तो अब इसमें देखिए तो 2019 तक जो पास आउट इतने थे,
जो फिर देन ऑलरेडी दोस हु आर इन कॉलेजेस दे विल बी ग्रेजुएटेड बाय 2023 तक अराउंड 270 रफली अराउंड 800 सो इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया अराउंड 1000 इंजीनियर्स आर गेटिंग ग्रेजुएटेड बाय 2023 फ्रॉम लद्दाख और इसमें आप देखिए तो मैक्सिमम जो है सिविल के हैं सिविल अराउंड 500 तो सिविल 500 तो चलो अभी somehow वो contractual basis पे लिया है या कुछ ना कुछ जो निकल से आ रहा है लेकिन मतलब इट्स नॉट necessary कि दे ऑल ऑफ देम दे विल गेट absorbed और बाकी आप देखिए जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन में भी अराउंड 200-300 है लेकिन कंप्यूटर साइंस लेकिन फिलहाल प्रेजेंटली प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अभी लद्दाख में इतना इन फील्ड का इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है जो भी जैसे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था अब वो प्राइवेटाइजेशन हुआ है अभी एनएचपीसी है जो भी है वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है वो ऑलरेडी लेस बेसिस पे ले रहा है बीएसएनएल ऑलरेडी बेसिस पे ले रहा है अभी भी जियो आ रहा है जियो अपना वहां से इंजीनियर ला रहा है लोकली रिक्रूट बहुत कम हो रहा है तो आई एग्री विद योर क्वेश्चन कि अभी थाउजेंड्स नॉट ओनली थाउजेंड अभी हंड्रेड्स में लद्दाख में अनएम्प्लॉयड है लेकिन इसका अगर हम कंपेयर करें कि बेंगलोर या बेंगलोर पुणे बॉम्बे के कंपैरिजन में ये थाउजेंड तो कुछ है नहीं बहुत छोटा नंबर है लेकिन हमारे लद्दाख में क्यों अनएम्प्लॉयड हो रहा है लेकिन उनके सबका माइंडसेट यही है कि हमें घर में ही लद्दाख में बैठ के ही जॉब मिलना चाहिए वो भी गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए ठीक है वही मैं समझता हूँ कि यही माइंडसेट की वजह से लोग बैठे हैं अदरवाइज मैं इनका सब कॉलेज वाइज भी मैंने किया है कौन से कॉलेजेस है दे आर फ्रॉम वेरी गुड कॉलेजेस है बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से है जैसे एनआईटी से डीयूटी से अच्छे अच्छे कॉलेजेस में स्टिल इतने टॉप कॉलेजेस करने के बाद भी दे आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब सो इसमें हमारे वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड अभी देखिए आईआईटीज में जितने भी लद्दाख के हैं आईआईटीज व्हाई दे आर सक्सेसफुल एक तो आईआईटीज में क्या हो रहा है कि आपका प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है दे आर गेटिंग द बेस्ट एक्सपोजर इन द वर्ल्ड और बाकी जितने भी जो छोटे मोटे कांड से छोटे मोटे जो अदर देन आईआईटी एनआईटीज एंड अदर जो नेशनल इंपॉर्टेंस कॉलेजेस में से जो पास आउट किया है तो उनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है मतलब कॉलेज में एक प्लेसमेंट नहीं हो रहा है और उनका इतना जो स्किल सेट्स है ना वो डेवलप नहीं हो पा रहे सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड यंगर जनरेशन वी शुड फोकस ओनली फॉर आईआईटीज एनआईटीज एंड टॉप कॉलेजेस अभी मेरे मैं एमएसएस के थ्रू मैं पुश कर रहा हूँ मैं हाँ पुश कर रहा हूँ जो बेस्ट कॉलेजेस है वहां से आ जाके उनका करियर बन सकता है या चलो ठीक है मिल रहा है कि आप दूसरा ऑप्शन बहुत लोग कहते कि नहीं मैं ये करके मैं दूसरे कर लूंगा तो इन दैट केस वो क्या ऐसे ओके चलो ठीक है स्कॉलरशिप मिल रहा है ले लो लेकिन मैं आई एग्री विद दिस ऑल दिस आईआईटी सो जो बाहर जितने भी स्कोप है वो एक्सप्लोर करना चाहिए अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आना चाहिए पर्टिकुलरली आईआईटीज में सो जैसे अभी आईओएल का टीम है आईआईटी एस्पिरेंट्स ऑफ लद्दाख आई पर्सनली फील देयर सोशल इम्पैक्ट इज क्वाइट हाई If you see their their outcomes in the last few years, the number of students are getting into IITs tremendously. It's quite. I know the graph is going high. Okay. Well, on the one side, there are more number of IITs. So many IITs they have opened in so many places. Still, if you see the main core top IITs, the number of Ladakh is in top IITs. IIT कानपुर हो गया खड़गपुर हुआ अभी दिल्ली हुआ बॉम्बे हुआ सो इसमें भी काफी लद्दाखी स्टूडेंट्स है इट्स अ गुड साइन सो वी विल वर्क टुगेदर एंड वी विल ट्राई टू पुश दिस नंबर स्टिल फर्दर तो ये मैं उसके जो अभी क्वेश्चन उठा था उस इन दैट कॉन्टेस्ट आई जस्ट शेयर दिस सो एनीबॉडी वांट्स दिस रिपोर्ट इट्स नेट पे भी है मैं शेयर करूंगा कितने सारे है फिर सजेशंस भी दिए थे किस कब से अभी एक क्वेश्चन आया था मतलब बहुत सारे अनएम्प्लॉयड है अभी मैं अनएम्प्लॉयड का दिखाता हूँ डेटा अभी 2007 से ही अनएम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड मीन्स दे आर डूइंग सम अदर जॉब 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फिर ये ग्राफ होते जा रहे हैं 16 में अराउंड 200 अनएम्प्लॉयड हुआ है 2019 में अराउंड 400 जो ऑलरेडी जो पार्टिसिपेट किया है देन अराउंड मैंने 20% लिया कि जो पार्टिसिपेट नहीं भी किया होगा सो अराउंड 500 एड हो रहा है तो मतलब इट्स द नंबर इज गोइंग अप ये नंबर फिर फर्दर अप होगा
every year more than 100 to 200 students are getting in engineering college through PMSS schemes alone. उसके बाद IITs है, फिर NITs है, फिर state colleges, फिर private colleges है. ये मेरा एक prediction है कि every year around 400 to 500 टॉप होते जा रहे हैं लद्दाख से इंजीनियर्स. अब ये कहाँ जाएंगे? सबको लद्दाख में तो जॉब मिलेगा नहीं, या तो यू हैव टू शिफ्ट टू सम अदर प्रोफेशन और यू हैव टू बी इन विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया, रेस्ट ऑफ द कंट्री और वर्ल्ड लेवल पे. इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से कॉलेज में जाइए, IITs में जाइए. तो दिस इज जस्ट इन माई एक्सपीरियंस आई शेयर विद यू. सो थैंक यू. Thank you so much for sharing that data and your insights on the unemployment thing, Katashi. I really appreciate that. So, dekho, matlab, what I like to add here is, agar, you know, if you have the capability and have the, you know, skills that industry demands, then I can, say for damn sure that you'll get a job. You'll have to choose the right skills and the, you know, right mindset up. अगर तुम्हारे पास राइट स्किल्स होंगे ना तो इन द इंडस्ट्री देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर यू नो ब्राइट पीपल एंड पीपल विद स्किल्स. इंडिया में क्या सीन है कि मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन देयर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ऑल दैट बट पीपल आर वेरी यू नो वीकर ऑन द साइड ऑफ द स्किल्स दैट हैव अर्न्ड ड्यूरिंग दोज कॉलेज इयर्स द स्किल्स एंड देन द पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स एंड ऑल दैट. मतलब इस साइड में उनका पल्ला थोड़ा हल्का पड़ जाता है. दैट्स व्हाई दे आर नॉट बीइंग एबल टू फाइंड द राइट जॉब्स. अगर यू यू नो गेन सम वेरी गुड स्किल्स दैट द इंडस्ट्री डिमांड्स देन आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब. सो जस्ट फोकस ऑन यू नो पॉलिशिंग योर स्किल्स एंड ऑल दैट सो यू कैन गेट अ जॉब. या दैट्स व्हाट आई वांट टू ऐड. थैंक यू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एक ने क्वेश्चन पूछा है इफ आई गेट कॉलेज थ्रू पीएमएसएस एज वेल एज थ्रू जी मेंस व्हिच इज बेटर फॉर मी. ऑब्वियसली जी मेंस के थ्रू आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है. मैं तो आपको एडवाइस करता हूँ जी मेंस के थ्रू आप अच्छा सा एनआईटीज या कोई भी मिले वो ले लो. पीएमएस चपलेस के थ्रू आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी. ठीक है, अगर आपका बहुत परसेंटेज बहुत हाई है तो इसके पीएमएस के थ्रू भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं. तो इन दैट केस वी हैव टू सी व्हिच वन इज बेटर. माय एडवाइस इज टू फर्स्ट योर प्रेफरेंस यू शुड फॉर एनआईटीएस थ्रू जी मेन देन जो पीएम ट्रिपल एस के थ्रू जो भी कॉलेजेस हैं. ये ट्रू है. मतलब पीएम ट्रिपल एस से क्या होता है कि आपका स्कॉलरशिप थोड़ा ज्यादा होता है. मतलब ये बेनिफिट मुझे लगता है. ठीक है, अब जेई मेन्स लेकिन ये उस चीज को पूरा नहीं करता जो बेनिफिट्स जेई मेन्स में एनआईटीस में आईआईटीस में आपको मिलता है. राइट, तो मोस्टली कुछ लोगों का प्रॉब्लम रहता है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम. राइट, तो ये चीज जो है ना जेई मेन्स आईआईटीस में एक चीज है कि आपको स्कॉलर लोन मिलता है. ठीक है, तो उससे आपकी कॉलेज फीस ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाता है. ठीक है, तो आप स्कॉलर लोन लोगे और प्लस एनएसपीसी से भी स्कॉलरशिप मिलता है समथिंग अराउंड फीस पूरा वापस आ जाता है. तो जो आपको पीएम ट्रिपल एस से जो बेनिफिट मिल रहा तो जो जेई मेंस और एनआईटीस में मतलब वो एकदम वो हो जाती है. तो फायदा ये है कि अगर अच्छा ब्रांच मिल रहा हो तो जस्ट गो टू एनआईटीस और आईआईटीस. लेकिन एक मैटर है कि अगर आपको कोई अच्छा ब्रांच मिला जैसे सीएससी किसी जगह पे सीएससी मिला तो डेफिनेटली ब्रांच भी आप सेलेक्ट कर सकते हो. कंप्यूटर अगर आप स्कोप का देखोगे तो जैसे सी एस सी में बहुत ज़्यादा स्कोप है. इलेक्ट्रिकल में भी काफ़ी अच्छा है. तो इन द कमिंग ईयर्स जो है इसका जो हार्डवेयर में इंडिया जो है हार्डवेयर के लिए अभी तो सॉफ्टवेयर के लिए माना जाता है काफ़ी, लेकिन आने वाले 5-10 सालों में हार्डवेयर के लिए इंडिया बहुत ही एक बेसिस अपना बना रहा है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इलेक्ट्रिकल इनमें भी और काफ़ी अच्छा स्कोप बढ़ेगा. तो ये देख सकते हो स्कोप वाइज आप देख सकते हो अगर स्कोप अच्छा ब्रांच मिल रहा है तो यू कैन ऑप्ट फॉर पीएम ट्रिपल एस. अच्छा, थैंक्स फॉर एडिंग दैट हसनैन. सो आई बिलीव जाकिर इज द ओनली वन हु हैज लॉट ऑफ क्वेश्चंस. यू नो बाकी लोगों को क्या हुआ?
you also must be having some questions, right? So please, you know, feel free to ask questions. Let it be about anything, IIDs, NIIDs, anything, branches, anything. So I can see Rigzin Dolma, Jigmet, and another Rigzin. So yeah, please, guys, keep the questions coming. So we are here to answer your questions, right? Matlab dil mein questions rakke, you are not going to have anything. Just speak out. Hello. Yes, we have another participant in the call. Yeah, Rigzin, please go ahead. So good evening, sir. So my name is Rigzin, and currently I am in IIT Mandi and pursuing mechanical engineering. So sir, I want to ask that is there any scope in Leh for mechanical engineers? So I heard mostly the vacancies are only for civil engineers. First of all, Rigzin, can you please tell me why do you want to work specifically in Leh? Sir, I have, I want to work in Leh because, you know, I don't want to let my parents, you know, I don't want to leave them alone. I don't want to be apart with my parents. Yeah. Yeah. So I'm sorry to just work outside of Leh and try to find some work outside of Leh, you know, try to find some experience, matlab thodi cheeze experience kar lo, and when the experience comes, then you can always come back to Leh and then, you know, work in any field you like. Apna business khol sakte ho, matlab you have to get the right experience, right? Matlab main aim to yehi hai that you get the experience ताकि अपना स्किल्स डेवलप कर सको किसी पर्टिकुलर चीज के अराउंड, एंड देन यू कैन ऑलवेज कम बैक टू Leh एंड ओपन अ स्टार्टअप. हैव यू यू नो एवर थॉट अबाउट स्टार्टिंग अ स्टार्टअप इन Leh? व्हाई टू जॉइन ओनली द मैकेनिकल ब्रांच ऑफ Leh? आई नो दैट यू आर परस्यूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट देन try to, you know, broaden your thoughts and then try to explore each and everything that Leh can provide you. You can always open a startup here. There's a lot of opportunity here in Ladakh. So suggest you to think upon that. Yeah. It's in the same lines, I advise to all the students. So just after your graduation, please just don't go back early. Work in some good MNC, so try to get more exposure. Then you decide yourself after 1 or 2, 3 years, okay, where is my where I want to be in the future. So if you come back, then what Padma she said, like with your experience you can do the startup and all. And if you find okay outside also we can manage family life, that's also fine. So initially, at least for a few years, I suggest all of you to, you know, work in a good MNC, good startup, so that you get a good hands-on experience, and you can go ahead with your life, and then it gives more meaningful to your life rather than just after graduation as a fresher going back. Generally, I don't advise, but most of the Ladakhi students, like 90% of Ladakhi students, they have that mindset, and the parents' pressure is also quite high. Most of the parents, they put pressure on the kids, okay, bahar kya karna, particularly on the girls, pressure is quite high. And good thing is that most, particularly, most of the engineers, right now, whatever data I have is are girls. So obviously they will have more pressure, family pressure. So now